नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता इंदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कैथल से, जहां पर चीनी मिल में पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शुभारंभ किया है। विधायक रामकरण और रणधीर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के सहकारिता मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के भी सहकारिता मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को सही समय पर मुआवजा मिल जाएगा। कैथल से बड़ी जानकारी, चीनी मिल में पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शुभारंभ किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान विधायक रामकरण और रणधीर सिंह भी मौजूद रहे हैं। खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के भी सहकारिता मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिल जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनोज मलिक का रुख कर लेते हैं। मनोज, अगर बात की जाए, आज की तो दिन खास था, लेकिन लगातार मुआवजे की मांग भी उठ रही है, तो क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आज कैथल के अंदर शुगर मिल में आज 31 में गन्ना प्राइस सत्र का शुभारंभ किया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ पर पहुंचे और उनका शुगर मिल की ओपनिंग की गई है। और यहाँ पर जो भी समस्याएं थी किसानों के सम्मुख खड़े होकर स्टेज पर जो भाषण दिया गया था, जो कि काफी किसानों की समस्या थी मुआवजे को लेकर और फसल को लेकर। किसानों की शिकायत ये भी थी काफी समय से जो गन्ना था, गन्ना की पेमेंट नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी डॉक्टर बनवारी लाल ने, सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया, आश्वासित किया किसानों को कि आगे कोई भी समस्या किसानों को नहीं आएगी। अगर कोई भी समस्या किसानों को आ रही है तो वो स्पष्ट रूप से मेरे को आकर मिल सकते हैं, साथ के साथ जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए किसानों की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पेराई के सत्र शुरू होने पर डॉक्टर बनवारी लाल ने बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह शुगर मिल खूब अच्छी तरह से चलेगी और मुनाफा कमाएगी। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर जो फसल का मुआवजा है वो मिलेगा और जो 2 एकड़ टक्के सभी के किसानों का सरकार जो प्रीमियम है वो भरेगी। 15,000 एकड़ प्रति एकड़ मुआवजा जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल से 20% एथेनॉल मिलने की योजना बनाई है, शाहबाद में एथेनॉल बनाने का प्लांट लग चुका है, जिसको जो शुगर मिल में जो प्लांट है जो दिखते आ रही है उनका सामना किसानों को नहीं करना पड़ेगा और ना ही जो शुगर मिल अधिकारी है उनको भी किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।